भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। पर इन सब के बीच कई कद्दावर और चर्चित चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री की इस रेस में शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के बारे में यह साफ साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वे किसी से पीछे नहीं हैं। उनके पक्ष में दो बातें सामने आती है, पहली ये कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और भाजपा को मिली इस प्रचंड जीत के लिए गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। साथ ही मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष भी अन्य पिछड़ा वर्ग को भाजपा के साथ लाने की रणनीति के तहत ही बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है और वो काफी समय से संघ से जुड़े हुए भी हैं। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बीजेपी में वरिष्ठता के कारण अहम नेता हैं और वो पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस लिहाज से उनका दोबारा इस पद के लिए खड़ा होना संभावित है। राजनाथ सिंह ने पहले शिक्षा मंत्री बनकर नकल अध्यादेश के जरिए भी लोकप्रियता बटोरी थी। इसके अलावा अहम ये भी है कि राजनाथ सिंह किसी भी तरह से विवादित नहीं रहे हैं और जिससे उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ का काफी जबरदस्त वर्चस्व है। वो न केवल पूर्वांचल में बल्कि पश्चिमी यूपी में भी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां भी की हैं और वोट जुटाने में कामयाब भी रहे हैं। चुनाव से पहले भी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठी थी, हालांकि आदित्यनाथ ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर बताया था। मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में मनोज सिन्हा का नाम भी लिया जा रहा है। वो अभी भारत के संचार मंत्री हैं और इसके अलावा वो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं। उनके संसदीय क्षेत्र गाजीपुर की अधिकांश विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। पूर्वांचल में टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रबंधन तक में मनोज सिन्हा की अहम भूमिका बताई जाती है। भाजपा में भी सिन्हा की पहचान एक पढ़े लिखे और काम पूरा करने वाले नेता में से एक है, साथ ही विवादों से उनकी दूरी भी उनकी दावेदारी को मजबूत बना देती है।